बाबर आजम से जलने फूलने वाले अब हो गए उनके मुरीद। रिकॉर्ड देखकर चकरा गए बाबर आजम के बड़े बड़े विरोधी। किंग कोहली को पीछे छोड़ बाबर ने कर दिया कमाल। बेमिसाल लाजवाब और जबरदस्त काम, बाबर को सबने ठोका सलाम। कहते हैं कि जब वो बल्ला संभालता है तो केवल रन ही बनाता है। विपक्षी चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को जिताने के लिए मैदान में उतरता है। कोई उसे डॉन ब्रैडमैन की तरह दिखता है तो कोई उसे किंग कोहली के बराबर खड़ा करता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर कोई अपने आप में अनोखा होता है, इसीलिए उस खिलाड़ी को ब्रैडमैन और कोहली कहना गलत होगा, क्योंकि नाम बाबर आजम है तो किसी दूसरे परिचय की कोई जरूरत नहीं। जी हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम के सितारे इस वक्त बुलंद हैं। वो इस वक्त रनों का अंबार खड़ा कर रहे हैं, जिसके बाद उनकी आलोचना करने वाले भी उनके मुरीद हो चले हैं। दरअसल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग 2023 का समापन हो गया है, जिसके बाद वनडे वर्ल्ड कप के लिए 8 टीमों ने सीधे क्वालिफाई कर लिया है, जबकि 2 टीमें क्वालिफिकेशन के जरिए वर्ल्ड कप में एंट्री करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में इस दौरान पाकिस्तान के बाबर आजम ने कमाल कर दिया है और खूब रन बनाते हुए विराट को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप सुपर लीग के 21 मैच में 1454 रन बनाकर बाबर आजम टॉप पर हैं, जबकि विराट कोहली इस लिस्ट में 75वें पायदान पर हैं। ऐसे में बाबर का ये दमदार प्रदर्शन देखने के बाद अब उनके विरोधी भी उनके मुरीद बन गए हैं और अपने पिछले बयानों पर सफाई देते हुए बाबर की तारीफ कर रहे हैं। इसमें सबसे आगे हैं पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर, जिन्होंने बाबर आजम को लेकर अपने पिछले बयान पर सफाई दी। आमिर ने कहा है कि उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के कप्तान को औसत खिलाड़ी या पुछल्ला बल्लेबाज नहीं कहा। आमिर ने अपने बयान में कहा, सबसे पहले मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने इस मामले को गलत तरीके से पेश किया। मुझे एक भी इंटरव्यू दिखाओ जिसमें मैंने कहा था कि बाबर एक औसत या पुछल्ले खिलाड़ी हैं। मैंने अपनी सभी इंटरव्यू में उन्हें पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहा है। मैं इसे अपने मुंह से कह रहा हूँ और कई जगहों पर कहा है कि उनकी तकनीक के कारण वनडे और टेस्ट मैचों में उनके खिलाफ गेंदबाजी करना मुश्किल है। मैं लोगों को स्पष्ट कर दूं कि उसे टैलेंटर नहीं कह सकते। अब आमिर के इस बयान से समझा जा सकता है कि उगते हुए सूरज को देखकर वो भी सलाम ठोक रहे हैं और बाबर आजम को से आंखों पर बैठा रहे हैं। लेकिन सबको ये याद रखना चाहिए कि बाबर आजम को लेकर मोहम्मद आमिर किस तरीके से तीखी बयानबाजी करते नजर आए थे और 11वें नंबर के बल्लेबाज की तरह ही उनका भी जिक्र करते थे। अभी हाल ही में पीएसएल के 8वें सीजन के दौरान आमिर ने कहा था, बाबर या पुछल्ले बल्लेबाजों को गेंदबाजी करना उनके लिए समान था। मेरा काम विकेट लेना और अपनी टीम के लिए मैच जीतना है, इसलिए मेरे लिए बाबर का सामना करना या 10वें नंबर पर पुछल्ले बल्लेबाज का सामना करना एक जैसा होगा। लेकिन अब आमिर अपने इस बयान को लेकर सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं, एक गेंदबाज के रूप में उनका काम विकेट लेना है। भले ही बल्लेबाज कोई भी हो, बाबर हो या पुछल्ले खिलाड़ी, हर विकेट महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे टीम को फायदा होता है। उदाहरण के लिए अंतिम 2 ओवर में 12 रन चाहिए और 8 विकेट गिरे हैं तो पुछल्ले खिलाड़ी खेल रहे हैं, है ना, इसलिए उन्हें आउट करना भी उतना ही जरूरी है। वही मेरी बात थी। फिलहाल तो बाबर आजम कमाल कर रहे हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं, इसीलिए अब उनके विरोधी भी उनके सामने नतमस्तक हो गए हैं और दिल खोल कर तारीफ करते हुए बता रहे हैं, ऑल इज वेल। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।